किचन में एंट्री करते तो अभी किचन देखो कितना नीट एंड क्लीन है, देखो कितना खूबसूरत। और साथ ही में फिर मैं विंडो को ओपन करती हूँ और मैं चलती हूँ कहाँ, देखो विंडो ओपन के लेफ्ट साइड में ये देखो कितना अच्छा ना ये दानिश ने ना सजा के रख दिया था। तो जिसमें से ये थैली क्यों रखी थी पता है क्या दानिश ने, ये जो थैली के ऊपर के जो थे ना वो पुराने थे और ये बाकी सब नया माल जो आया था। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें से आलू उठाऊंगी जो कि पुराने है ना वही उठा लेती हूँ। इतने आलू काफी है, छोटे छोटे है सब क्योंकि हमने बड़े लाए ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अजीब लग रहा है क्योंकि आज मैं 4 दिन बाद शूट कर रही हूँ। एक तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था और दूसरी बात कि मेरे पास स्टॉक भी था ना वीडियो का, तो मुझे उसको ना टाइम टू टाइम टाइम मतलब ऐसा कवर करना था। तो वो कवर करने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी छुट्टी ली जाए क्योंकि मैं बहुत परेशान भी हो गई हूँ इन सब चीज में। तो इसलिए मैंने वीडियो के लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी छुट्टी ले ली और आज 4 दिन बाद शूट कर रही हूँ। और आज स्पेशल चीज बना रही हूँ जो कि दानिश ने मांगी थी लेकिन अभी भी उनका मूड नहीं था। मैं 2 दिन से बोल रही हूँ बनाओ क्या बोलती है नहीं, आज ना मेरा वो मन नहीं है, आज मेरा वो मन नहीं है, ऐसा कर करके उन्होंने और 2 दिन लेट किया है। आज फाइनली मैं बना रही हूँ। जो डेली ब्लॉग्स देती है उनको पता होगा कि दानिश ने पहले रोजे के लिए देने क्या कहा था, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह फाइनली मैं आज बनाती हूँ। तो मैं क्या बनाती हूँ मैं सीधा दिखा देती हूँ। और दानिश चले कहाँ? बाजार में। बाजार बोले तो मच्छी मार्केट क्योंकि बच्चों के लिए बागड़े लाने के लिए स्टॉक में चिकन और बागड़े रखे है, लेकिन वो स्टॉक में रखे है जो डेली इस्तेमाल कर रहे है ना, तो आज वो चाहिए था। तो इसके लिए दानिश अभी चले हैं और मेरे साथ में इफ्तारी की तैयारी करूंगी। सलाम नहीं करोगे? नहीं जाने दो, चलो करने दो तुम्हारे कैसा, अच्छा नहीं जाओ, जब तुम वजू करके आता हो तो वजू करेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे और फिर जाएंगे मच्छी लेने के लिए। तो ये है। और एक और बात बतानी है तो चलो वो तो काम करते करते ही बताऊंगे है ना। तो अभी मैं ये आलू रख रही हूँ बॉईल के लिए, उससे पहले मैं धो के ले लेती हूँ ताकि अच्छा पड़े है ना। और मैं इत्तू से ऑयल देखो ऑयल इत्तू से आलू देखो 5 लीटर की कुकर में बॉईल कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मेरा 3 लीटर का भी कुकर है लेकिन उसका रबर है ना वो खराब हो गया है, तो वो सीटी नहीं देता है, जिसकी वजह से फिर मैं बड़े कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरा ये जो कुकर है ना ये भी इंडक्शन पे चलते हैं, वरना इंडक्शन पे हर मतलब सब कुछ नहीं चलता है लेकिन मेरे कुकर चल लेते हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए, प्लस पॉइंट। मैं आजकल ना खास करके इस घर में आने के बाद, खास करके मतलब वहां थी तभी भी लेकिन यहाँ आने के बाद स्पेशली ज्यादा से ज्यादा मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इंडक्शन का, जितना भी हो सके इंडक्शन का इस्तेमाल कर। चोनी चलो ये सब मेरा अच्छे से होता रहेगा। और मैं अभी तैयारी करती हूँ दूसरी चीज की। तो दूसरी चीज के लिए ना मैंने एक बाउल का इस्तेमाल करना सोचा था जो कि मैंने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जान दो आज नहीं वो फिर कभी करूँ। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, यानी कि वही स्वादानुसार जिसको जितना कम ज्यादा चाहिए उस हिसाब से। और उसके बाद में लूंगी 2 चम्मच लूंगी मैं रवा सूजी, 2 चम्मच मैदा मुझे भरना पड़ेगा इसके अंदर। और ये 2 चम्मच तो नहीं है लेकिन जितना उतना डाल देती क्योंकि अभी मुझे निकालने के लिए उतना टाइम नहीं है। ये थोड़ा सा मैदा डाला है, मैदा अपना मतलब अपनी चॉइस है, डालना ही डालो नहीं डालना कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा सा इसको मिक्स करके लेंगे और साथ में ये डाल रही हूँ मेरे पास जो डालडा है वो, ये देखो इतना भर के एकदम, 1 चम्मच काफ़ी है मेरे ख्याल से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आया ना, पतला नहीं है ना इसके लिए ज्यादा आ गया, गाढ़ा है ना। तो इसको अच्छे से इसके अंदर मैं पहला मिक्स कर लूंगी डालडे को। घी डालने के बाद ना इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है वरना उसके अंदर ना गुठलियां बन जाती है वो बहुत खराब है। और अब मेरा ये मिक्सिंग हो चुकी है तो मैं डालूंगी इसके अंदर पानी, और पानी मैंने हल्का सा ना गुनगुना लिया है और मैं इसको ना ज्यादा टाइट भी नहीं रखूंगी और एकदम जैसा हम रोटी के लिए बनाते है ना, आज होनी जैसा हम रोटी के लिए बनाते है ना
तो रोटी से थोड़ा सा सख्त रखूंगी, मतलब थोड़ा टाइट रखूंगी, रोटी के जितना नरम नहीं करूंगी। आ छोनी आ, चलो अभी फटाफट मैं इसको करके मिलती हूँ, कि टाइम दादा जा रहा है शूटिंग की वजह से। फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ेंगे जो कि हमारे अपने पेड़ से, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। मैं जितना भी बनाने के लिए हो सके ना, एक हाथ से समझ में नहीं आ रहा है, डर लगता है कि कहीं और ज्यादा ना टूट जाए। तो ये रहा मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना। जो मैं पानी डालती हूँ इसको, पत्ते वगैरह पूरे धो लेती हूँ, इससे क्या होता है देखो कितनी खूबसूरती, एक उसको भी एक अलग चमक रहती है। जैसा हम नहाते हैं, मैंने उनको भी नहला दिया है। मतलब हमेशा कैसा नहीं, तो मिट्टी में पानी डालो, हो गया बात खत्म, कितना अच्छा हो गया। देखो तेल गर्म हो गया है और मैं डाल रही हूँ राई और जीरा। राई जीरा मैं जरा ज्यादा ही डालती हूँ क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए। उसके बाद थोड़ा सा हींग, फिर से एक नया चम्मच। उसके बाद ये फ्रेश कड़ी पत्ता अपने घर का, और ये इसके अंदर मैंने चॉप किया है लहसुन और मिर्ची। अनिश का फोन आया और थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा वो जल गया, क्या करूं। ये देखो कुछ ज्यादा ही थोड़ा हो गया, लेकिन ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते। इस स्टेज पे मैं डालूंगी नमक, क्योंकि मैं नमक कम डालूंगी क्योंकि मैंने आलू बॉईल किए ना, तो उस वक्त भी मैंने नमक डाल दिया था। और अभी डालूंगी मैं आलू बॉईल। कितनी सिंपल है देखो आलू पूरी की, पूरी भाजी की सब्जी। और साथ में ये धनिया चॉप रखा है, अभी मैं इसको अच्छे से धीमी आंच पे पका के लूंगी। और ये जितने अक्खे दिख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूंगी इस तरीके से। इफ्तारी हो चुकी है, तरावे की नमाज तक हो चुकी है और अभी हम किचन में आए हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं क्यों आज ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और उसके बाद कुछ शूट भी नहीं किया मैंने क्योंकि लेट हो गया। और दूसरी बात, जैसे कि कहा था मैंने, दानिश बाहर गए, दानिश आए, तो आज है राम नवमी। देख मैं भूले जा रही हूँ, मुझे बताना भी नहीं आ रहा, आज है राम नवमी, जिसकी वजह से मच्छी मार्केट बंद था, तो फिर दानिश बच्चों के लिए चिकन ही लेकर आए हैं, क्या बताओ। सलाम करो, तुमने सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करता हूँ सबके लिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने आमाल में रखे और माला माल रखे इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। अभी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए चिकन बॉईल करके रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए तो मैं करूँ। और आज इफ्तारी में यकीन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ दो पूरी खाए है मैंने, बराबर ना। तब से लेके अभी तो कुछ भी नहीं खाया है और मुझे पूरी भाजी पसंद नहीं है, तो मैंने ना श्रीखंड खाने वाली थी श्रीखंड के साथ। लेकिन जब मुझे याद आया कि मुझे श्रीखंड चाहिए, ये देखो अभी तो पैकिंग है, खोला भी नहीं। जब मुझे याद आया कि मुझे इसको खोलो, जब मुझे याद आया कि मुझे श्रीखंड खाना है, तो श्रीखंड इतना फ्रीज हुआ था, तो देखती हूँ मैं, हो सकता है मैं सिर्फ श्रीखंड खाऊंगी, अभी सिर्फ श्रीखंड खाऊंगी नहीं, तो आज कुछ भी खाने का भी मन नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने दो ग्लास कोकम शरबत पिया और दो पूरी, इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और हाँ, थोड़ा सा कलिंगड़ खाया, बराबर ना, कुछ भी नहीं खाएगी कि अच्छा ही नहीं लग रहा है तो क्या करूँ। तो इस तरीके से है, अभी पहले बच्चों को मैं फटाफट उनका चिकन बॉईल किया है वो दूंगी, और देखते हैं और दानिश क्या करते हैं। मैंने काम भी कुछ नहीं किया है दानिश ने, सच में अभी तरावी पढ़ के आए ना, उन्होंने काम किया है। कि मेरा आज कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कि, और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वीडियो का भी कुछ नहीं करूंगी और मैं जल्दी सो जाऊंगी। हो सकता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ कहाँ चाहिए, यहाँ देखो का चाहिए, तो हो गया। तो इस तरीके से चलो अभी देखते हैं और क्या बनाते हैं हम लोग। तो ये श्रीखंड, इस बार श्रीखंड का फ्लेवर में गलती से दूसरा लाई हूँ, लेकिन क्या बताओ तो अच्छा लग जाए। मैंने ये सोच लिया है, मैंने नहीं सोचा है, दानिश ने बताया है
कि दानिश ने कड़क पाव लाए हैं ना, कड़क पाव डेली के लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कड़क पाव और श्रीखंड खा लूँ, कैसा रहेगा देखते हैं। अभी दानिश दे देते हैं, खा लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, दानिश जी बोलोगे? बोलो। हम जब इस तरीके से शूट करते हैं ना, मेरा ये है लेफ्ट और ये है राइट। दानू जी तुम तुम्हारा बताओ। ये देखो राइट, ये राइट और ये लेफ्ट। तो हमारा दोनों का सेम आता है, लेफ्ट और राइट। तो मुझे एक कमेंट आया है जो कि मैंने इसके पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन अभी नए सब्सक्राइबर भी कुछ जुड़ रहे तो उनको पता चल रहा है। तो इसमें कैमरे की वजह से ना एक पता नहीं क्या होता है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बताता है। तो ये सी प्रॉब्लम है, बाकी हम लोग लेफ्टी नहीं है, हम भी राइट ही है, हम सीधे हाथ वाले ही है और दोनों भी सीधे हाथ, क्योंकि अगर गलत में बता रही हूँ तो दोनों का सेम तो नहीं बताएगा ना, है ना। एक का अलग ऐसा बताता, लेकिन नहीं, हम सीधे हाथ वाले ही, हमें लेफ्ट से कुछ भी नहीं जमता है, लेकिन वो कैमरा की वजह से वैसा लेफ्ट का राइट दिखता है, लाइट का लेफ्ट दिखता है। तो ये मुझे बताना था, बराबर? बिल्कुल। तो चलो अभी आप लोग भी श्रीखंड खाने के लिए आ जाओ, श्रीखंड के साथ पाव खाती हूँ फाइनली, कि कुछ पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा यार। चलो दे दो मुझे। इतनी पूरी लगी टूटी थी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी अभी, बोलिए मैं इतनी पूरी खाऊंगी। और पूरी भाजी तुमको कैसी लगी वो भी जरा बताओ ना। पूरी भाजी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आई, इसके लिए मेरा मुंह बंद है, बोलती बंद है मेरी, क्योंकि मैंने खा खा के मेरा मुंह बंद हो गया। मैंने ये दो पाव लिए है, कड़क पाव। हाँ, लाला श्रीखंड खाएगा ना। चलो अभी हम खाते हैं कड़क पाव के साथ ना, मुझे ऐसा श्रीखंड अगर अच्छा लगता है। एक्चुअली हम दोनों को कड़क पाव भी बहुत पसंद है ना दानू जी। बिस्मिल्लाह, मैं खाऊं बाद में। बाद में एक मिनट देती है, पापा ही निकाल के देते हैं। काम की चीज मिली होती हो। चलो, अच्छा है, बच्चे भी पसंद कर रहे। चलो अभी हम खाते हैं, फिर मिलते हैं।